So let us discuss some more examples of methods of substitutions. Okay. So ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया मिलेगा कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, कहाँ पे दूसरा मेथड यूज करना है. ठीक है, इंटीग्रेशन का यही मतलब चांस है. मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया मिलेगा, कर पाओगे इंटीग्रेशन. ठीक है, सो टेक दिस एग्जाम्पल. इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर बाई x, log x के पावर 2 है. 2 के जगह में मैं 20 भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहले 2 से शुरू करता हूँ. अगर होल स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया तो 20 का वैल्यू भी पता चल जाएगा. ठीक है, सो हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस? कैन वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन डायरेक्टली? नो, वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस फंक्शन डायरेक्टली. सो दैट मींस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ अगेन, सिंस दिस फंक्शन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स हियर वी कैन यूज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, ये पहले चेक करना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड? यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म where we can use substitution method, whether you have to use in the numerator or in the denominator, so that after differentiation, substitution method mein differentiate karna hi padega, after differentiation you have to get the another term. theek hai, matlab agar tum denominator mein x equal to t put karoge to after differentiation will you get the numerator? never, because differentiation of x with respect to x is 1 kahan pe hai numerator mein? numerator mein to log x hai. theek hai, isiliye ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो इफ आई पुट log x इज इक्वल टू t, फॉरगेट अबाउट द पावर, पावर 2 है, 20 है, 200 है, इट डजंट मैटर, जस्ट यू चेक द फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है. सो इफ आई पुट log x इक्वल टू t, कुछ फायदा होगा? लेट अस चेक. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x? यस, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, दिस इज इक्वल टू dt/dx. यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ओनली. व्हाई? Because the function is also in terms of x, that's why. Okay. So, ये dx को अभी cross multiply करके, हमेशा dx को cross multiply करके left hand side में लेके आना है. So, dx by x is equal to dt. अभी देखो dx by x वो question में है कि नहीं? Yes, dx by x is there in this integrand. Yes, तो इसका मतलब वही होगा कि log x में t put करना है, denominator में put करने से कोई फायदा नहीं होगा. Okay. So d, now we can replace dx by x is equal to dt. This is the second step. So integration, replace dx by x by dt. ठीक है, अब ये log x को क्या करना है? Since now you have to integrate with respect to t, मतलब ये function भी तो in terms of t में होना चाहिए. So log x equal to क्या put किया था? t. So t square, square है इसलिए square दिया. 20 होगा तो 20 लिखो, कुछ भी है. So what is integration t square? T to the power 3/3 plus c. Don't forget to write this constant. Okay, this arbitrary constant. Now this answer is in terms of t, but actually होना चाहिए था in terms of x में. तो t के जगह में जो put किया था, क्या put किया था? log x actual function. So log x whole cube by 3 plus c, which is the required answer. That's it. Okay. Take the next question. देख लो, ये दो क्वेश्चन तो बहुत इजी था. अभी ये क्वेश्चन देखो, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आई मीन दिस इंटीग्रेंड इज ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस फंक्शन डायरेक्टली. यस, सो हियर ऑल्सो वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट वेदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल? कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जैसे यहां पे मैं log x इक्वल टू t पुट कर दिया तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर आ गया. कभी कभी डायरेक्ट पुट करने से भी नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट नहीं होता है, तो कुछ सोचना पड़ता है. मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई दिस फंक्शन सो दैट आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई भी एक टर्म. क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में 1 है, 1 इक्वल टू टी पुट करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज डिराइवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0. डिनोमिनेटर में अगर टी पुट करोगे तो यू विल नेवर गेट 1. डायरेक्ट पुट करने से कभी भी 1 नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. कभी कभी ऐसा करना पड़ता है. ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल. तो क्या करोगे, फ्रॉम द डिनोमिनेटर टेक एक्स कॉमन. इसीलिए तो इंटीग्रेशन बहुत प्रैक्टिस करना है, पता नहीं चलता है कहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट यूज होगा, कहां पे मॉडिफाई करना है फंक्शन को. जनरली एग्जाम में ऐसा मॉडिफाई करने वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कभी भी नहीं आता. इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो एग्जाम में. ठीक है, सो फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ आई टेक एक्स कॉमन, क्या रहेगा बोलो? 1 प्लस log x, यस और नॉट?
डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया एक्स, वी कैन टेक कॉमन राइट. ओके नाउ इफ आई पुट वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म वेर वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो मैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर 1 प्लस लॉग एक्स, ये 1 प्लस लॉग एक्स के जगह में अगर टी पुट करूंगा तो कुछ फायदा हो सकता है. क्या फायदा होगा देखो, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इमीडिएटली यू हैव टू डिफरेंशिएट इट. ओके क्योंकि चेक करना पड़ेगा ना वेदर सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट और नॉट. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट डीटी बाय डीएक्स है ना. अभी ये dx को मैं क्या बोला था, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है. सो dx by x विच इज इक्वल टू dt. अभी देख लो कि ये dx by x क्वेश्चन में है कि नहीं. यस dx तो न्यूमरेटर में है और नीचे x है. सो dx इंटू 1 इज dx ओनली. सो dx by x है, सो दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस dx by x by dt. सो इंटीग्रेशन dt को साइड में रखो, 1 प्लस लॉग एक्स के जगह में टी पुट किया. सो हियर यू हैव टू राइट 1 बाई टी ना, बिकॉज 1 प्लस लॉग एक्स इज देयर इन द डिनोमिनेटर, इसीलिए तो 1 बाई टी हुआ. समझ में आया, डायरेक्ट टी डी टी मत लिखो यहां पे. जैसे मैं टी स्क्वायर डी टी लिखा था बिकॉज यहां पे लॉग एक्स न्यूमरेटर में था और लॉग एक्स में टी पुट किया था. यहां पे 1 प्लस लॉग एक्स में टी पुट किया बट 1 प्लस लॉग एक्स इज देयर इन द डिनोमिनेटर, इसीलिए 1 बाई टी लिखा. ओके चलो 1 by t dt का इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन. सिंस वी नो ddx ऑफ log x इज 1 by x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज व्हाट, log x ना. सो इंटीग्रेशन 1 by t dt इज log t प्लस c, c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आफ्टर दैट रिप्लेस दिस t बाय द एक्चुअल टर्म दैट इज 1 प्लस log x plus c, which is the required answer. ठीक है, in this way we can solve. So पहले क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, formula ठीक से by heart करो, practice करते करते by heart हो जाएगा. कैसे by heart करोगे, मैं formula list दे दिया, उसमें derivative का एक column है, integration का एक column है. Derivative integration एक एक करके ऐसा practice करो तो derivation derivative का भी formula याद रहेगा, integration का भी formula याद रहेगा, because they are vice versa only. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहेगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. देख लो यहां पे भी ddx ऑफ log x 1 by x है. ये 1 by x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट log x ओनली. वैसे ही मैं जो फॉर्मूला लिस्ट दिया उसमें एक कॉलम में डिराइवेटिव का फॉर्मूला है और एक कॉलम में इंटीग्रेशन का, तो इजिली याद हो जाएगा. ठीक है, वो पहले फॉर्मूला याद करो उसके बाद न्यूमेरिकल में जाना. ठीक है, और कमिंग वीकेंड तुम लोगों का क्या एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम, डिटर्मिनेंट्स आएगा. सो डिटर्मिनेंट्स में पहले कॉन्सेंट्रेट करो, मैं बोल रहा हूं डिटर्मिनेंट में पहले कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज देखो फिर जाना, बिकॉज इंटीग्रेशन एग्जाम में नहीं आ रहा है ये कमिंग संडे एग्जाम में. ठीक है, डिटर्मिनेंट पहले उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और थोड़ा थोड़ा करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो. ठीक है, ऐसा मत, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन एकदम मत देखो, इंटीग्रेशन भी देखना है थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला, लेकिन मेनली 80% डिटर्मिनेंट में फोकस करो और 20% इंटीग्रेशन में फोकस करो. ठीक है, ऐसे ही जाओ और कुछ भी डाउट होगा तो डिटर्मिनेंट्स में पूछ लेना, एग्जाम अच्छा होना चाहिए, कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना. और ऑब्जेक्टिव का पेपर मैं ऑनलाइन जूम क्लास में एक्सप्लेन करूंगा जो लास्ट संडे एग्जाम हुआ था जेईई मेंस का. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे.